लॉन्च एंड ग्रो योर बिजनेस। हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स फिगर, कुछ ऐसे फॉर्मूले जिससे आप अपना बिजनेस, डिजिटल बिजनेस आज से ही शुरू कर सकते हैं। हम जब भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो पहला कंसेप्ट जो हमारे माइंड में आता है कि सर बिजनेस में हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं बिजनेस में, या तो आपका समय लगेगा यानी टाइम इन्वेस्टमेंट, या आपका मनी लगेगा तो मनी इन्वेस्टमेंट। जब रिस्क मनी से रिलेटेड होती है, मनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, तो हमारा रिस्क ज्यादा हो जाता है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है कि सर किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्रायर एक्सपीरियंस, पुराना कोई बिजनेस करने का एक्सपीरियंस, कोई पुराना तजुर्बा, पुराना अनुभव हमको होना चाहिए। यह दूसरा कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है। तीसरे नंबर पे कि सर हमको तो बिजनेस से रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है, हमने BBA, MBA जैसे मैनेजमेंट कोर्सेस नहीं किए, इस वजह से हमें बिजनेस करने का कोई नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे बिजनेस कर पाएंगे। हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते सर, वी हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पैसा जो है वो लिमिटेड है, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं और हम अपना मनी जो है वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा सर हम तो जॉब करने में कंफर्टेबल हैं, टेंशन नहीं होती है, फिक्स रहता है कि महीने के एंड में तो सैलरी मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं रहती है कि बिजनेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जॉब कर रहे हैं तो सैलरी की सिक्योरिटी हमारे पास रहती है। फिर सर ऐसे कुछ बिजनेस इसके लिए नहीं है हमारे पास जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। बिजनेस करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पुराना अनुभव चाहिए होता है, बिजनेस से संबंधित नॉलेज हमको चाहिए होता है, हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, जॉब में सर टेंशन कम होती है, फिक्स सैलरी होती है, सिक्योर्ड इनकम होती है, बिजनेस में आपकी इनकम जो है वो अप एंड डाउन होती रहेगी, लॉस में चला गया बिजनेस, किसी मंथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम कैसे मैनेज करेंगे, और साथ ही साथ करेक्ट बिजनेस स्किल हमको नहीं आती है। अगर आप कहीं भी स्टक हैं बिजनेस को लेके, व्हाट टू डू, सर बिजनेस करने की इच्छा तो बहुत है लेकिन क्या करें समझ नहीं आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, सर्विस डेवलपमेंट कैसे करें, बिजनेस की मॉडल कैसे डेवलप किए जाते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, प्रमोशन कैसे किया जाता है, ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है। सर एक स्टार्ट करने की प्रोसेस होती है, हम हमेशा आइडिया तो जनरेट कर लेते हैं पर कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। सर स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उसको बंद कर दिया। सर ग्रोथ नहीं हो रही है बिजनेस में। तो अगर आपके ऐसे माइंड में जो भी कंसेप्ट हैं तो इस वेबिनार के बाद डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इन सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे, जब आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपना डिजिटल बिजनेस आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम बिजनेस वर्ड सुनते से ही हमारे माइंड में कौन कौन से कंसेप्ट जो है वो सामने आ जाते हैं, कि जब भी बिजनेस करने का आपके माइंड में ख्याल आता है और आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सर करें क्या, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे हम बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम बिजनेस में सफल हो सकते हैं, ऐसे सवाल जब भी आपके माइंड में आ रहे हों तो आपको ये कंसेप्ट जो है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस मैट्रिक्स को अगर आपने आज समझ लिया तो आज से आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में हम एक्स एक्सिस पे हमने लिया है मनी और वाई एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, यानी कि आपका लगने वाला समय और आपके लगने वाला पैसा। तो ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट है ये हमने बनाया है मनी से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चार अलग अलग क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं। पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट बिजनेस, डिजिटल बिजनेस, फ्रीलांसिंग, ये क्या कंसेप्ट है और हम आज से क्या शुरुआत कर सकते हैं। ये अगर आपके पास मनी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास समय कम है तो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आपके पास मनी जो है वो बहुत ज़्यादा है और साथ साथ टाइम भी अवेलेबल है तो आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप ऐसे बिजनेस में एंटर करेंगे जिसको आप स्केल अप कर सकते हैं, स्पेशली प्रोडक्ट कैटेगरी में। फिर आती है फ्रीलांसिंग कैटेगरी, जब आपका मनी जो है यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपके पास समय भी कम है, यानी कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, सर्विस में हैं और पार्ट टाइम या बहुत कम समय के लिए हाफ एन आवर या वन आवर के लिए कुछ शुरू करना चाहते हैं जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए तो आप फ्रीलांसिंग बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे फ्रीलांसिंग बिजनेस का आपका अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाएगी धीरे से आप उसको डिजिटल बिजनेस में कन्वर्ट कर लीजिए। डिजिटल बिजनेस मींस कि कुछ हम ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बढ़ा देंगे थ्रू वेबसाइट, थ्रू यूट्यूब चैनल और जितने भी सोशल मीडिया हैं।
फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, पॉडकास्ट है, कई अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप अपना बिजनेस जो है वो शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको समय लगता है, आपको डिजाइनिंग करना पड़ेगी, आपको वीडियो बनाना पड़ेंगे, वीडियो एडिट करना पड़ेंगे अगर आप आउटसोर्स नहीं कर रहे, क्योंकि डिजिटल बिजनेस भी उसी ऑप्शन में है जहाँ पर मनी जो है वो लोअर साइड है। मीन्स हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और अपना खुद का डिजिटल बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, टाइम जो है उसमें आपको ज्यादा लगेगा। तो अगर आपके पास समय है अभी और इन्वेस्टमेंट किए बिना या थोड़े इन्वेस्टमेंट के संग आप शुरू करना चाहते हैं तो डिजिटल बिजनेस जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, समय है तो बिजनेस, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा फंड है लेकिन समय नहीं है बिजनेस करने का, तो आप दूसरों के बिजनेस में, प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, सिल्वर में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है कि हम फ्रीलांसिंग या डिजिटल बिजनेस के साथ शुरुआत करेंगे आज से। अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, अभी हम बात कर रहे हैं डिजिटल बिजनेस की, लेकिन अगर हम एक्चुअल बिजनेस की बात करें, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, बड़े बड़े यहाँ पर अलग अलग प्लांट लगाए जाते हैं, अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है। तो बिजनेस फर्स्ट है जहाँ पर आपका लगने वाला जो मनी है वो भी बहुत ज्यादा है और आपका लगने वाला समय जो है वो भी ज्यादा है। बिजनेस में हम सारी वो कैटेगरी ला रहे हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड है। डिजिटल बिजनेस में हम वो सारे बिजनेस ला रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और स्टॉकिंग दोनों ही आपको नहीं करना पड़ते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बिजनेस कर सकें, इफ यू हैव फाइनेंशियल अबंडेंस तो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो हम दूसरे लोगों के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो टू हमने देखे हैं, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें मनी जो है वो ज्यादा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। अब मान के चलते कि मनी है भी लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है उनको, उन्होंने सेफ्टी के लिए रख के रखा, उन्होंने अपने किसी दूसरे काम के लिए रख के रखा है लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन फ्रीलांसिंग और डिजिटल बिजनेस के हैं। या फिर हो सकता है कि स्टूडेंट हैं, सर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम घर से पैसा लेके जो है बिजनेस में नहीं लगाना चाहते हैं, आप तो ऐसे कुछ ऑप्शन बताएं जो बहुत कम पैसे में या बिना पैसे में हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस बताएं, ऐसे कुछ कंसेप्ट बताएं जो कम पैसों में या बिना पैसों में शुरू किए जा सकते हैं, जहां पर आपको मनी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, कम मनी लगाना है या बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना है, मनी भी वेरी लो एंड टाइम भी वेरी लिमिटेड, यानी कि आप 1 से 2 घंटों के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अब फ्रीलांसिंग में आपको क्या करना रहेगा कि आप दूसरों के बिजनेस को एज ए रेफरल बिजनेस, एज ए एसोसिएट बन के आप उनको रेफर करेंगे। तो फ्रीलांसिंग उनके लिए जो अभी स्टूडेंट है या जो मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, साथ ही साथ वो अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये सर्कल आप ध्यान रखेंगे। सर्कल कैसा चलेगा, हम शुरुआत करेंगे फ्रीलांसिंग से, फ्रीलांसिंग से बाद हम जंप करेंगे डिजिटल बिजनेस पे, डिजिटल बिजनेस से हमको जंप करना है बिजनेस पे, और बिजनेस से हम जंप करेंगे इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि 4, 3, 2, 1। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में हम फ्रीलांसिंग करते करते इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पास आ जाएं। इन्वेस्टमेंट क्या ऑप्शन है, जब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आप दूसरों के बिजनेस में, दूसरों की प्रॉपर्टीज में, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करने लगे, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी कि आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप इन्वेस्टमेंट कर सके। तो हमारा जो शुरुआत है ये बिजनेस अवसर के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के साथ। फ्रीलांसिंग के साथ आप शुरुआत करेंगे तो आपका समय भी कम लग रहा है और आपका पैसा भी कम लग रहा है। ध्यान रखिएगा, हमको कम टाइम और कम मनी में अपना बिजनेस शुरू करना है तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रीलांसिंग बिजनेस के साथ। अब नेक्स्ट करते हैं कि अभी ये मनी तो ऑलरेडी यहाँ पर कम है लेकिन हमारा टाइम ज्यादा लगने लगा। आपको डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चीजें सीखना पड़ेंगी, आपको बिजनेस स्किल सीखना पड़ेंगे, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगी, प्रमोशन सीखना पड़ेंगे, किस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है, सोशल मीडिया को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, सारे आपको स्किल्स सीखना पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से स्किल्स होंगे अभी हम आगे देखेंगे। बट जब आपके पास मनी लिमिटेड है और आप इन्वेस्टमेंट, मनी है भी, मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास मनी है लेकिन फिर भी हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम फ्रीलांसिंग से शुरुआत करेंगे। लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग ऑप्शन में जब हम अपना टाइम बढ़ा देंगे, नो डाउट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देंगे, हो सकता है सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए हम अपनी वेबसाइट तैयार कर लें,
हम अपना खुद का YouTube चैनल स्टार्ट कर लें, तो डिजिटल मीडिया प्रेजेंस जो है वो आपको बढ़ानी रहेगी। तो डिजिटल बिजनेस में आपको क्या करना है, डिजिटल बिजनेस में आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, टाइम जो है वो आपका ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके डिजिटल बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी एंटर कर सकते हैं। तो थर्ड कैटेगरी पे आप आ जाएंगे बिजनेस पे। और जब आपके बिजनेस जो है ये लेकिन फ्रीलांसिंग से डिजिटल बिजनेस जो है वो आप 1 मंथ 2 मंथ में स्विच कर सकते हैं, बट डिजिटल बिजनेस से बिजनेस में जंप करने के लिए इट विल टेक टाइम, सालों लग सकते हैं, क्योंकि डिजिटल बिजनेस करते करते इतना फंड इकट्ठा कर लेना कि हम कोई एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकें तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन जिस भी पड़ाव पर अभी हम हैं, जिस भी हम मुकाम पर अभी हम हैं, उससे एक कदम तो हमको आज आगे बढ़ाना ही है, चाहे वो आप फ्रीलांसिंग बिजनेस के साथ बढ़ाएं, चाहे वो आप डिजिटल बिजनेस के साथ बढ़ाएं। हमको पहुंचना है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे, हमको पहुंचना है बिजनेस ऑप्शन पे, लेकिन शुरुआत उसकी आज से हम फ्रीलांसिंग से कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग बिजनेस के साथ कर सकते हैं, डिजिटल बिजनेस के साथ कर सकते हैं।